हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। भाई देखिए, मैंने PYQ सीरीज लगभग कंप्लीट कर दिया है, जो कि एस्टेट का, CDP और EBS का है। अब आपको CDP चाहे PRT वाले हों, चाहे TGT वाले हों, चाहे PGT, 30 नंबर की सब में आनी है। ये आपको भी पता है, कॉमन पेपर है, तो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एक दिन में दो दो तीन तीन क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि समय कम है। और समय कम है तो इसका मतलब ये है कि हमें फास्ट मोड में चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पहली चीज आपको नोटिस करना है कि जो सिलेबस है वो PRT, TGT, PGT, जो CDP का सेक्शन है, वो तीनों के लिए इक्वल है। ठीक, तीनों के लिए एक बराबर है। तो पहला ही टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। मतलब जो हमारा जो विकास है और वृद्धि का अधिगम से क्या संबंध है, इसको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास का सिद्धांत है, इसको पढ़ना है। वहीं उसके बाद हेरिडिटी और एनवायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद हमें सोशलाइजेशन पढ़ना है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के बारे में पढ़ना है। और वहीं बात करें, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, लैंग्वेज एंड थाट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। ये सारे हमारे मेन मेन टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और वहीं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले बालक होते हैं, पिछड़े बालक, प्रगतिशील बालक, सृजनात्मक बालक, इनके बारे में पढ़ना है। और वहीं हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो उसके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, और वहीं बात करें लर्निंग पेडागॉजी, जो पेडागॉजी भी पढ़ना है हमें। ठीक है, क्या शिक्षण शास्त्र भी इस बार आएगा। हर बार ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता था, लेकिन इस बार सिलेबस क्या एक अच्छा सिलेबस दे दिया गया है पहली बार, और इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, पहले का पेपर क्या था, इस ये मैटर नहीं करता है। पहले कुछ भी उठा के पूछ लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके क्या सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब पेडागॉजी के भी क्वेश्चन होंगे। पहले पेडागॉजी के क्वेश्चन बहुत कम होते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, और फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये पहला क्लास होगा और पहला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाल विकास के बारे में। क्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले टॉपिक में पढ़ेंगे बाल विकास। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, आप सिलेबस में देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वहीं क्या पढ़ेंगे, इसका अधिगम के साथ रिलेशन क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी वृद्धि और विकास इसी में आती है, इसको पढ़ेंगे। ठीक, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आज ये तीनों टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगले टॉपिक में आपको इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को अपने। पहला हमारा टॉपिक है भाई बाल विकास। ठीक है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि बाल विकास आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ बात करें तो बाल विकास के बारे में, हमें इसके अंतर्गत बाल विकास होता क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो बाल विकास होता है ये प्रोग्रेसिव होता है और हमेशा चेंजिंग होता है। क्या, हमेशा चेंज होता रहता है। मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा विकास है हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, मतलब क्रमिक होता है, और हमेशा क्या, चेंज होता रहता है, मतलब चेंजेबल रहता है। ठीक है, हमारा विकास हमेशा चेंज होता रहता है क्रम से। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब है क्रम। जब किसी चीज़ में क्रमिक चेंज हो, परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वृद्धि, वृद्धि की बात करें, वृद्धि क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम वृद्धि को क्या इंग्लिश में कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। मतलब शारीरिक बदलाव, जो भी हमारे शारीरिक फिजिकल रिलेटेड चेंजेस होंगे, हमारी बॉडी हाइट, हमारा वेट बढ़ना, हमारा रंग रूप बढ़ना। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब हमारे, जैसे हमारा कद बढ़ना, हमारा भार बढ़ना, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो ये किस में आएगा, ये सब हमारे वृद्धि में आएंगे। तो वृद्धि जहाँ भी आपको दिखे, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि शारीरिक बदलाव संबंधित जो भी चीज़ें होंगी हमारी बॉडी में, उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक, जैसे हाइट, वेट, रंग रूप, हमारा कद, मतलब हाइट, वही वेट, भार, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वृद्धि कहेंगे। ठीक है, और इसी में आता है एक परिपक्वता, मैच्योरिटी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं खूब। तो अगर हमारा ग्रोथ के साथ साथ हमारी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परिपक्वता कहते हैं। मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, समय के साथ साथ, मतलब बच्चा कितना सीख रहा है, और मतलब
वृद्धि के साथ, मतलब ग्रोथ के साथ, बच्चा बच्चे का कितना विकास हो रहा है, उसकी कार्य क्षमता में कितना विकास हो रहा है, और इसी एबिलिटी के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट को, अच्छे से समझते चलिए। परिपक्वता किसको कहते हैं? परिपक्वता का मतलब है कि हमारा ग्रोथ के साथ हमारा विकास कितना हो रहा है, मतलब कोई बच्चा, बच्चे का ग्रोथ भी हो रहा है, उसके साथ बच्चा कितना सीख रहा है चीज़ों को, और उसकी जो कैपेबिलिटीज, उसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता में अगर विकास हो रहा है, उसकी बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैच्योरिटी। आई होप सो कि आपको मैच्योरिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब विकास क्या होता है? विकास भैया आपको भी पता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलती रहती है, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्यों इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमारा जन्म गर्भ से लेकर मृत्यु तक, मतलब वॉर्म टू टॉम चलता रहता है, क्या वॉर्म टू टॉम चलता रहता है, क्या हमारा विकास, ठीक है, विकास हमारा जन्म से, जब हम जन्म लेते हैं तब तभी से हमारी विकास स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये हमेशा मृत्यु तक चलता है, मतलब वॉर्म टू टॉम चलता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, और उसी में मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब चलिए पढ़ते हैं वृद्धि और विकास के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, आइए इसको हम कवर करते हैं। सबसे पहली चीज की बात करें तो भैया परिमाणात्मक होती है, जो हमारी वृद्धि, जो हमारी ग्रोथ होती है, क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव, ठीक है, जो हमारा ग्रोथ है ये क्वांटिटेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम माप सकें, जिस चीज को हम मेजर कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्या परिमाणात्मक बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारी हाइट, हमारे वेट, इन सब चीज़ों को हम माप सकते हैं, तो इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। अब गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, जो हमारा विकास होता है इसमें क्वांटिटेटिव भी आता है और क्वालिटेटिव भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम माप भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी माप सकते हैं, ठीक, दोनों होता है। जैसे हम हाइट और वेट को तो माप सकते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर, हमारे अंदर क्वालिटी है, जैसे हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, इसको हम माप नहीं सकते। हम कोई अंदर हमारे अच्छे, कोई अंदर हमारी क्वालिटी है अच्छी सी, हम उसको नहीं माप सकते। हमारे अंदर दया है, उसको हम नहीं माप सकते, ठीक, वहीं इसे हम देख सकते हैं, ग्रोथ को हम देख सकते हैं। बिल्कुल हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो हम वृद्धि को देख सकते हैं, ग्रोथ को देख सकते हैं, इससे सिर्फ महसूस कर सकते हैं या देख नहीं सकते, मतलब हमारा जो विकास है इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कॉग्निटिव, हमारा मानसिक विकास हो रहा है, हमारा शारीरिक विकास है, ठीक है, देख भी सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है, हमारा हाँ शरीर बढ़ रहा है। और वहीं बात करें जैसे आपका क्या कॉग्निटिव, फिजिकल और इमोशनल, हमारे संवेग बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे संवेग में डेवलप हो रहा है, हमारा चौमुखी विकास जब होता है, कॉग्निटिव, फिजिकल, मेंटल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अब उसके बाद करें जो हमारा एक निश्चित समय होता है, ठीक है, वृद्धि का एक निश्चित समय होता है, ठीक है, क्या एक निश्चित समय होता है, वहीं मतलब वृद्धि, हमारा पूरी जीवन हमारी वृद्धि नहीं होता। आप मरने लगते हैं क्या, तो भी आपका, जब आप 80 साल के हो जाते हैं तो भी आपकी वृद्धि होती रहती है, ऐसा नहीं है, आपके हाथ नहीं बढ़ते, आपकी लंबाई नहीं बढ़ती। वहीं जो हमारा विकास है ये हमारा जीवन पर्यंत चल रही है, ठीक है, जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक। उसके बाद अगवा है, आगे वाला है, यह मूर्त होती है। अब क्या होता है, मूर्त का क्या मतलब हुआ, मूर्त का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि भैया हम इसको देख नहीं सकते, इसको देख सकते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को हम देख सकें, जिस चीज़ को हम फील कर सकें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको मूर्त, यह मूर्त होती है, ठीक है। वहीं बात करें वृद्धि की, विकास की बात करें तो विकास क्या होती है, अमूर्त प्रक्रिया है, ठीक है, क्या एक अमूर्त प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। बिल्कुल भाई, हमारे वृद्धि में क्या होता है, हमारे वृद्धि में हमारा विकास जो डेवलपमेंट है वो शामिल नहीं होता, ठीक। हमारा वृद्धि, जैसे हमारा वृद्धि हो रही है, हमारी शारीरिक परिवर्तन होता है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो इसमें हमारा विकास नहीं शामिल होता, लेकिन हमारा जो विकास में ग्रोथ और वृद्धि दोनों शामिल होती है, क्या ग्रोथ और वृद्धि दोनों शामिल होती है। जैसे आप देख सकते हैं विकास में वृद्धि शामिल होती है और परिपक्वता भी पाई जाती है, मैच्योरिटी भी पाई जाती है। जब हमारा ग्रोथ के साथ साथ विकास भी हो रहा है और कार्य करने की क्षमता में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो हमारी परिपक्वता हमें आ जाती है हमारे अंदर, और ये दोनों पाई जाते हैं। विकास में हमारा ग्रोथ भी पाया जाता है और डेवलपमेंट तो होता ही होता है, ठीक है, वृद्धि के साथ साथ हमारा विकास भी होता है। वहीं बात करें तो हमारा एक और इसका डिफरेंस जान लीजिए कि जो हमारा ग्रोथ है ये हमारा शारीरिक रूप से रिलेटेड होता है, मतलब फिजिकल रिलेशन होता है इसका। वहीं बात करें जो हमारा विकास होता है, इसमें हमारे फिजिकल, सोशल और मेंटल, कॉग्निटिव सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, क्या फिजिकल, मेंटल, सोशल और कॉग्निटिव
चारों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब आइए आगे चलते हैं मेरे भाई, क्या अब आगे चलते हैं। चलिए, विकास के पक्ष या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, क्या डोमेन्स ऑफ बाल विकास की जो डोमेन्स है इसको, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, विकास के पक्ष या थ्री टाइप होते हैं भाई। हमारा शारीरिक पक्ष होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। ठीक, क्या फिजिकल बोलते हैं। वहीं सामाजिक संवेगात्मक, सोशियो इमोशनल बोलते हैं। क्या इसको हम सोशियो इमोशनल बोलते हैं। और संज्ञानात्मक का मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो विकास के पक्ष की बात करें, डोमेन्स की बात करें, तो विकास के जो डोमेन्स है भाई ये कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं। शारीरिक होता है जिसको हम फिजिकल बोलते हैं, दूसरा होता है सामाजिक संवेगात्मक जिसको हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, और तीसरा होता है संज्ञानात्मक। अब आइए तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं बारी बारी से। ठीक है, क्या तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या आ गया, इसमें हमारा आ गया पहला क्या आ गया, हमारा शारीरिक विकास आ गया। इसका मतलब है फिजिकल डेवलपमेंट। क्या फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो शारीरिक विकास है हमारा दो प्रकार से होता है। क्या हमारा जो शारीरिक विकास है ये किस प्रकार से होता है, हमारा शारीरिक विकास दो प्रकार से होता है। जैसे अगर आपको मैं कहूँ तो एक होता है इसको स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं, वहीं दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल जिसको हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। तो आपके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए, शारीरिक विकास इसका मतलब शरीर से रिलेटेड, फिजिकल रिलेटेड चीज़ें किस में आती हैं, शारीरिक विकास में आती हैं, जो कि हमारा दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल जिसको हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। क्या फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सूक्ष्म स्थूल गति कौशल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल किसको हम बोलते हैं। देखिए जिस भी काम को करने के लिए, मतलब कुछ भी काम हो, किसी काम को करने के लिए कोई भी काम हो, ठीक है, जिसमें हम शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी बॉडी पार्ट्स हैं उसका हम ज़्यादा यूज करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या स्थूल गति कौशल। जैसे एग्जाम्पल समझिए, उछल रहे हैं, ठीक है, जंपिंग, कूदना, दौड़ना, रनिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं और गेंद को थ्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी ग्रॉस मोटर स्किल में। किस में आएंगी, ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाए। जिस भी एक्टिविटीज़ में हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी पार्ट्स का उपयोग हो, यूटिलाइज हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। जैसे उछलने में हम उछलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स उसमें यूज होता है, कूदने में भी, दौड़ने में भी, खेलने में भी और गेंद फेंकने में भी, तो हमारे बॉडी पार्ट के ज़्यादा हिस्से का उपयोग हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल जिसको हम क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। क्या फाइन मोटर स्किल, जिस काम को करने के लिए कम से कम अंगों का प्रयोग करना पड़े, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें कम से कम अपने बॉडी पार्ट्स का उपयोग करना पड़े, यूटिलाइज करना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल। क्या सूक्ष्म गतिक कौशल उसको बोलते हैं। जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो इसमें हम अपने हाथ के अंगुलियों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ग्रॉस फाइन मोटर स्किल हो गया। वहीं सिलाई कर रहे हैं, ठीक है, जब वीविंग करते हैं, हम आप सिलाई करते हैं तो आपके बहुत छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स का उपयोग उसमें होता है। मेकअप करना, ठीक है, आपके फिंगर्स का यूज होता है, आपके हाथ का यूज होता है, तो ये किस में आ जाएगा, ये मेरे भाई आ जाएगा सूक्ष्म गति कौशल में, फाइन मोटर स्किल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विकास को निरंतर और क्रमित चलने वाली प्रक्रिया किसने कहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विकास एक क्रमिक, मतलब प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये किसको, किसने कहा, ये कहा हमारे बीएफ स्किनर साहब ने। वहीं हर्लॉक ने क्या कहा कि भैया आकार में परिवर्तन, ठीक है, हमारे शेप साइज में परिवर्तन क्या है, हमारा विकास है। विकास कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलता, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, बिल्कुल विकास रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विकास कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलता, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा आ गया भाई, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आइए इसको पढ़ते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं मेरे भैया, तो इसको अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है,
तो पहली बात करें बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो पहला है शैशवावस्था, जिसको हम 0 से 2 साल बोलते हैं। क्या? 0 से 2 साल बोलते हैं। दूसरा है बाल्यावस्था, जिसको हम 2 से 12 वर्ष में बोलते हैं। और तीसरा है किशोरावस्था, जिसको हम 12 से 18 वर्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या? 18 वर्ष बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि गर्भावस्था, जो गर्भावस्था होती है हमारी, गर्भावस्था 0 से 9 महीने होती है। 0 से 9 महीने गर्भावस्था। सबसे ज्यादा शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो गर्भावस्था में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मानव विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 युवा अवस्था होती है, 18 से 25 वर्ष। ठीक है, चलिए अब पहला बात, जो चौथा होती है युवा अवस्था, जिसको हम कहते हैं, उसको 18 से 25 साल में इंक्लूड करते हैं। तो पहला स्टेज है हमारा शैशवावस्था। क्या? शैशवावस्था, जिसको हम 0 से 2 वर्ष, कितना? शैशवावस्था रट लीजिए, 0 से 2 साल के एज में आती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, इस देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शैशवावस्था में क्या होता है, जीवन की आधारशिला या नींव। बिल्कुल, शैशवावस्था में हमारे जीवन की जो आधारशिला, बेस हमारा यहीं से बनता है पूरी लाइफ का। ठीक है, तो इसको हम, इसीलिए इसको हम नींव कहते हैं। जैसे एक घर की नींव ईंटे, ईंट और सीमेंट वगैरह होते हैं, वैसे ही आपकी जो लाइफ की नींव है वो शैशवावस्था है। इंद्रियों की अवस्था बोलते हैं इसमें, सेंसेशनल स्टेज बोलते हैं हम इस अवस्था में चीजों को महसूस करते हैं। ठीक है, दूसरा है अनुकरण करने के माध्यम, करके सीखने से माध्यम। बिल्कुल, हम चीजों को क्या, इमिटेशन करके सीखते हैं, दूसरे की चीजों को दोहराते हैं। ठीक, शारीरिक विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो शैशवावस्था में होता है। ठीक, शैशवावस्था में सामाजिक विकास की इकाई किसको कहते हैं? परिवार को कहते हैं। ठीक है, पहला तो माता पिता भाई बहन में होते हैं, लेकिन उसके बाद कौन होता है, क्या? हमारे परिवार होती है। ठीक है, परिवार में ही सब आते हैं। और सामाजिक विकास की शुरुआत किस अवस्था से होती है? तो हमारे शैशवावस्था से होती है। आगे चलते हैं। बच्चा भाषा बोलना शुरू कर देता है, ये आपको भी पता है। बच्चों में संवेग, इमोशंस आने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती है बच्चों के अंदर। हार्ट बीट तेज हो जाती है, लगभग 120 की स्पीड से हार्ट बीट बच्चों की होती है शैशवावस्था में। ठीक, उतना जरूरी नहीं है शैशवावस्था, लेकिन आइए पढ़ते हैं बाल अवस्था, बाल्यावस्था, जिसमें जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो बाल अवस्था या बाल्यावस्था किसको कहते हैं? ये 2 से 12 साल की जो अवस्था होती है, इसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, इसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। वहीं इसको, इस जो बाल्यावस्था है, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड। ठीक है, क्या? इसको हम प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसमें 2 से 6 वर्ष आता है। ठीक है, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। अब आगे चलते हैं, पहले प्री अर्ली चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, या प्री चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको पढ़ते हैं। खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछे, तो पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड को बोलते हैं। जीवन का निर्माणकारी, मतलब जीवन जिसमें हम अपने लाइफ की चीजों को स्ट्रक्चर वे में, चीजों को ऑर्गेनाइज करके अपने जीवन का जो आगे की जीवन है उसको निर्माण करते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं, तो ये किस अवस्था में करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में। स्कूल जाना बच्चा कब शुरू करता है, प्री चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। प्री गैंगेज, पूर्व टोली समूह या गैंगेज किसको, किस अवस्था को कहते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। सामाजिकता के मुख्य घटक, स्कूल, साथी, बाल्यावस्था, इसमें बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, उसके मुख्य कंपोनेंट्स, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है, तो सामाजिक जो सोशलाइजेशन बच्चे का होता है, स्कूल और बच्चे के जो साथी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, पीयर ग्रुप हो रहा है, इसमें सामाजिकता के लिए, सोशलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे चलते हैं, देखिए उत्तर बाल्यावस्था, प्री बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड। ठीक, तो देखिए इसे गैंग एज भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, और समूह टोली बनाने लगता है बच्चा। ठीक है, तो जिज्ञासा की अवस्था, अगर क्वेश्चन पूछे जिज्ञासा की अवस्था किस अवस्था में आती है, तो बाल्यावस्था में आती है। प्रश्न पूछना बच्चा कब शुरू करता है, तो बाल्यावस्था में शुरू करता है। सबसे मानसिक, सबसे ज्यादा मानसिक विकास किस अवस्था में होती है बच्चे का, तो बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। चलिए अब चल पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में। 12 से 18 साल की एज को क्या कहते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, 12 से 18 साल की एज को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। तो अब किशोरावस्था एडोलेसेंस से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे परिवर्तन की अवस्था किसको कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं फिजिकली रूप में, मेंटली रूप में, कॉग्निटिव रूप में, तो उसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं, उसको हम कहते हैं परिवर्तन की अवस्था। क्या? परिवर्तन की अवस्था, उसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वयः संधि काल कहते हैं इसको। ठीक है, डे ड्रीमिंग कहते हैं इसको।
दिवा स्वप्न अवस्था वही डे ड्रीमिंग बच्चे भाई दिन में ही सपने देखने लगते हैं बच्चे, ठीक है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को एडोलेसेंस को क्या कहा है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था को किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है, ठीक। वहीं क्रो एंड क्रो साहब क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो साहब कहते हैं किशोर ही परिवर्तन वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की एक आशा है, ठीक है। सामाजिक विकास और सभी विकास की अवस्था कौन सी है, ये हमारी है एडल्टहुड। संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञानात्मक संज्ञान से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहाँ भी आए वहाँ मेंटल यूज होता है, दिमाग का यूज होता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, तो ये होता है हमारा किसमें होता है, ये होता है हमारा एडल्टहुड में, ठीक है। संवेगात्मक क्रांति इमोशनल चेंजेस बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं एडोलेसेंस की एज में। मित्र बनाने की अवस्था सबसे ज़्यादा मित्र किस में बनते हैं, एडोलेसेंस के एज में ही बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है। सामाजिक विकास जटिल एवं गहन कब हो जाता है, मतलब कब जो सोशलाइजेशन है वो बच्चे को समझ में आ जाता है कि अब हमें सामाजिक होना जरूरी है, तो किशोरावस्था में। साथी संगियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव कब पड़ता है, किशोरावस्था में पड़ता है। रॉस के अनुसार छठ और झूठी परिपक्वता बाल्यावस्था में आती है। किलपैट्रिक के अनुसार कठोर काल किसको कहा है, किशोरावस्था ने को किलपैट्रिक ने बोला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। क्या बाल विकास के सिद्धांत, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है क्वेश्चन भाई, बहुत जरूरी भी है, आपके सिलेबस में भी दिया है, तो इसको हम पढ़ेंगे। बाल विकास के सिद्धांत की बात करें तो इसमें पहला जो सिद्धांत है हमारा, जिसको हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। क्या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो बाल विकास हमारा निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, निरंतरता, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो बाल विकास हमारा जन्म से शुरू हो जाता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, वॉर्म टू टॉर्म चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। आगे चलते हैं, विकास अग्रसर होता है, विकास हमारा प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, क्रमिक होता है, मतलब जो विकास की अवस्था होती है हमारी क्रमिक होती है, ऐसा नहीं कि पहले बाल्यावस्था आ जाएगा फिर पहले एडल्ट हो जाएगा फिर बाल्यावस्था आएगा, ऐसा नहीं होता। पहले क्या, हम पहले शैशवावस्था में आते हैं, फिर बाल्यावस्था में आते हैं, फिर हम एडल्टहुड में आते हैं, ठीक। तो ये एक क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। बिल्कुल भाई, कोई बच्चा तेज होता है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, किसी बच्चे के आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का हाइट ज़्यादा होता है, किसी का हाइट कम होता है, तो हर बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो कोई बच्चा मंद बुद्धि होता है, कोई तेज होता है, किसी की बुद्धि शून्य होती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक। आगे चलते हैं, सामान्य से विशेष, हमारे जो जनरल टू क्या मतलब इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष, जनरल टू प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जो हमारा विकास है ये हमारा जनरल सामान्य की तरफ से होकर विशेष की तरफ जाता है। अब सामान्य का मतलब क्या हुआ, मतलब बाल विकास जो भी हमारा होता है, पहले सामान्य चीज़ों का विकास होता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ों का मतलब विशेष चीज़ों का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करो, जैसे बच्चा पहले लेटा रहता है, ठीक है, करवट बदलता है, बच्चा पहले लेटा रहता है आप देखेंगे, तो ये क्या हो गया, सामान्य हो गया, जनरल हो गया, फिर करवट बदलता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद बच्चा बैठने लगता है, फिर बच्चा चलने लगता है, और उसके बाद बच्चा दौड़ने लगता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं सामान्य से विशेष, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले जनरल चीज़ें होती हैं फिर बाद में स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए विकास की दिशा का सिद्धांत, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडस्टल दो होता है, ठीक है, जिसको हम सिरोपदी या मस्तको अधोमुखी बोलते हैं, सिफेलोकॉडल को निकट दूरस्थ या समीपस्थ दूरस्थ का सिद्धांत प्रॉक्सिमोडस्टल को बोलते हैं। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ भी सिफेलोकॉडल आए, सी मतलब सिर, सिर से पैर की तरफ जब विकास हो तो इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉडल, ठीक, मतलब सिर ये हमारा सिर हो गया, जब सिर से लेके हमारा पैर की तरफ विकास बढ़े तो इसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉडल बोलते हैं। वहीं इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर की तरफ से, जब हमारा सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ से हमारी रीढ़ की हड्डी बढ़े, हाथ पाँव बढ़े, सर बढ़े, ये सब बढ़े, तो इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र से नीचे की ओर, केंद्र से क्या नीचे की ओर जब हमारा विकास हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडस्टल। रीढ़ की हड्डी से जब हमारा नीचे की तरफ विकास हो तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडस्टल। चलो अब आगे चलते हैं,
नेक्स्ट सिद्धांत क्या कहता है? समरूपता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या कहता है? सभी बच्चों की जो विकास का तरीका है, गति है, समान होता है, वो चाहे शेर हो चाहे बच्चा हो। ठीक, चाहे शेर हो चाहे बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, सभी बच्चों का जो विकास का तरीका होता है, डेवलपमेंट का तरीका होता है, गति है वो समान होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी मतलब जो हाथ है वो किसी बच्चे का इस समय में इतना बड़ा है, दूसरे किसी का हाथ ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो समरूपता एक पैटर्न होता है, ठीक है, क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न इसको बोलते हैं। एक जो विकास की गति होती है वो समान होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वाभाविक फीचर इज मतलब स्पेसिफिक फीचर जो कुछ होते हैं भाई, हमारे जो बिहेवियरल फीचर होते हैं वो क्या हर एज में अलग अलग होती हैं, ये सारी चीजें। तो बात की बात, अभिवृद्धि और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। ग्रोथ और लर्निंग, ठीक है, ग्रोथ और लर्निंग हमारे एक दूसरे को हमेशा प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है तो आपका अधिगम भी अच्छा होगा, आपका ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आपका अधिगम अच्छा नहीं होगा, लर्निंग अच्छा नहीं होगी। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या गुणनफल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में, आप जाके देखिएगा। तो वंशानुक्रम हेरिडिटी मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच इंटू डी, हेरिडिटी इंटू डेवलपमेंट, ठीक है, अरे हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट एच इंटू ई, ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है हमारा, हेरिडिटी वंशानुक्रम और वातावरण का क्या गुणनफल होता है, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चलो आगे चलते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है, एकाग्रता या एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब इसमें बॉडी पार्ट पहले यूज होता है, बच्चा करता है, मतलब बॉडी के सब पार्ट का यूज करता है पहले बच्चा, ठीक है, सीधा सा मतलब समझिए, पहले बॉडी के सब पार्ट्स यूज करता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी हो गई, अब बॉडी के सब पार्ट्स क्या हो गए, हमारी फिंगर हो गई, फिर हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, तो पहले बॉडी के सब पार्ट्स को यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले बच्चा हाथ, ठीक है, हाथ का यूज करता है, फिर बच्चा कोहनी का यूज करने लगता है, फिर बच्चा अपनी हथेली का यूज करने लगता है, फिर बच्चा अपनी अंगुलियों का प्रयोग करके काम करने लगता है। मतलब पहले बच्चा क्या, पहले हाथ ऐसे पूरे हाथ को लाएगा, ठीक, फिर कोहनी का यूज करने लगता है, फिर बच्चा क्या करता है, अपनी हथेली का प्रयोग करने लगता है, ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंगुलियों से चीज़ों को पकड़ने लगता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर चीज़ों को एक साथ करता है, ठीक है। चलिए, अब फ्रायड के अनुसार प्रारंभिक विकास महत्वपूर्ण होता है प्रवृत्ति से, ये सारी चीजें छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट है, वर्तुलाकार या चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है भाई, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है रेखी नहीं होता, मतलब ये सीधा नहीं होता, ठीक है, रेखी नहीं होता, वर्तुलाकार गति से आगे पीछे बढ़ता रहता है, ठीक है, पहले एक बार आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे आएगा, तो इसी को हम कहते हैं वर्तुलाकार, स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, ठीक है। तो विकास कभी तेज होता है तो कभी धीमे होता है, ठीक। अब विशेष क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस ये क्या कहता है, विकास इस एक विशेष क्रम में होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है एक विशेष क्रम में होता है। जैसे पहले बच्चा भाषा सीखने के लिए एक क्रम होता है, ठीक है, जिसको LSRW बोलते हैं, LSRW बोलते हैं, मतलब हमारा जो विशेष क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा विकास है एक क्रम से होता है, एक विशेष क्रम से होता है, जिसको बेस्ट एग्जांपल है, जैसे बच्चा भाषा सीखना चाह रहा है तो पहले LSRW थियरी जो होती है, इसका मतलब है पहला बच्चा लिसनिंग सुनना सीखेगा, ठीक है, वहीं स्पीकिंग बोलना सीखेगा, उसके बाद रीडिंग पढ़ना सीखेगा, उसके बाद राइटिंग लिखना सीखेगा, क्या राइटिंग लिखना सीखेगा। देखिए एक चीज़ और लिख लीजिए, जो आपका सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना क्या है, इसको हम रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, क्या रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, वहीं बोलना और लिखना क्या बोलते हैं, उच्चारित कौशल, इसको प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, आज ही एक क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन मतलब विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले अवस्था में बच्चा कैसा होगा, ठीक, पूर्वानुमान कर सकते हैं। परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है, बच्चे का विकास, बच्चे के विकास की दिशा को हम बदल सकते हैं, बिल्कुल भाई, बच्चे के विकास की दिशा को हम बदल सकते हैं, जितना जैसे हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं तो उसी चीज़ के बारे में नॉलेज बच्चे को देते रहें तो बच्चा उसी दिशा में जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, और बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, ऐसे आपको 1 से 2-3 वीडियो डेली मिलेंगे, आपको एस्टेट के लिए डेली 3 वीडियो मिलेंगे, बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत, बहुत फास्ट मोड में चीज़ें करा दूंगा मैं, ठीक।